Good morning, students. How are you? You all are fine. Very good. Okay. घर में ही रहना है, सेफ रहना है. सेफ रहना है मतलब सुरक्षित रहना है, क्योंकि आपको पता है अभी क्या हो रहा है. हाँ, पिछले साल से एक बहुत बुरी डिसीज आ गई, कोरोना डिसीज आ गई है ना, और अभी तो और ज्यादा बढ़ गए हैं उसके केसेस. बहुत सारे लोगों को कोरोना हो चुका है, इसलिए प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, आप घर में रहें, सेफ रहें. अपने मम्मी पापा का कहना भी सुनना है, ऐसा नहीं कि बस आप दौड़ दौड़ के बाहर चले जाएं. और वैसे भी अभी समर सीजन स्टार्ट हो गया है, टेम्परेचर बहुत हाई हो गया है, बहुत तेज गर्मी हो गई है ना. हाँ, इसीलिए आपको क्या करना है, घर से बाहर नहीं जाना है. घर से बाहर कब जाना है, मॉर्निंग वॉक करने जाना है, पर कैसे जाना है, मास्क लगा के. मास्क लगाना है और अपने मम्मी या पापा के साथ या मम्मी पापा दोनों के साथ घूमने के लिए सुबह सुबह जाना है. और बहुत सारी अच्छी अच्छी एक्सरसाइज करना है, प्राणायाम करना है, ठीक है, जिससे हम बहुत स्ट्रांग हो जाए और बिल्कुल हेल्दी वेल्दी स्वस्थ रहे, मस्त रहे. ओके, यस, वेलकम इन माई क्लास. माई नेम इज, यू नो वॉट इज माई नेम, ऑफकोर्स माई नेम मीन्स अलका मीन्स, एंड आई विल टीच यू मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स ऑलरेडी आई हैव टू 10 ईयर क्लास UKG एंड सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास नंबर 1. ओके, यू नो वेरी वेल, आई होप सो कि आपने मेरे लास्ट टाइम की जो वीडियोस है वो देखे हैं, ज्वाइन करी है क्लास और उससे बहुत कुछ सीखा है. अब इस साल भी कोरोना के केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, इसलिए हमें इस साल भी ऐसे ही ऑनलाइन क्लास से ही पढ़ना पड़ेगा, वीडियो से ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है. पर इसका मतलब ये नहीं कि आप घर में पढ़ाई करना छोड़ दें, नहीं, हमें घर में रह के और ज्यादा टाइम मिल रहा है स्टडी के लिए, सो हमें बहुत ज्यादा उसको अच्छे से डीपली स्टडी करना है. ओके ओके, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम 0 और 1. वेरी गुड, यू नो वेरी वेल, हमारा जो मैथमेटिक्स है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, और 0 से स्टार्ट होते 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 अनलिमिटेड नंबर यानी बहुत सारे नंबर तक हमारा मैथ्स जाता है. मैथ्स में कोई क्वेश्चन आंसर्स नहीं होते, बट मैथ्स में जो नंबर्स होते हैं वो नंबर्स हमें अच्छे से आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. क्या करना है, घर में रह के अच्छे अच्छी चीजें सीखना है. मॉर्निंग में जब उठते हैं, जब मम्मी पापा को बड़ों को सबको गुड मॉर्निंग बोलना है, सबको नमस्ते करना है, प्रणाम करना है, अच्छे से स्माइल करके दिन भर अपना अच्छे से घर में रहना है. झगड़ा नहीं करना, लड़ाई नहीं करना, अपने पेरेंट्स को ऑलवेज रेस्पेक्ट देना. ओके, लेट अस स्टार्ट द क्लास. आर यू रेडी? आई एम ऑल्सो रेडी. ओके, वी विल स्टार्ट फ्रॉम 0. ओके, हम सबसे पहले 0 से स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम लोग लिखेंगे काउंटिंग. काउंटिंग फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4. ओके, हमें लिखना है. नाउ यू आर इन UKG क्लास. अब आपको कुछ ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा बार, बहुत टाइम्स बार. जैसे मैंने 2 टाइम्स लिया है तो आपको 2 टाइम्स लिखना ही लिखना है. एंड वीडियो में मैं आपकी मिस हूँ, मैं आपकी टीचर हूँ, बट घर में कौन है आपकी टीचर, आपकी मम्मा. ओके, आपकी मम्मी जो है वो आपकी टीचर है घर में. तो जब भी आप नोटबुक में लिखो या आपको कुछ चीज नहीं समझ में आए तो मम्मा से भी पूछ सकती हो, या फिर इस वीडियो को बार बार भी आप देख सकते हैं. ओके, लेट अस स्टार्ट. ओके, फर्स्ट वी विल राइट हियर हेडिंग. हेडिंग मतलब हम जो चीज लिखने वाले हैं उस चीज को हम सबसे पहले ऊपर लिखते हैं, ताकि हमें पता चले कि हम अब आगे क्या लिखने वाले हैं. वी विल राइट हियर द हेडिंग. विच वन हेडिंग? COU, काउंट. N, काउंट. T, COUNT, काउंट. काउंट यानी गिनती. ING, काउंटिंग. काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है? फ्रॉम 0. काउंटिंग फ्रॉम का मतलब क्या होता है इसका? FROM.
means से. काउंटिंग कहां से लिखना है हमें? फ्रॉम जीरो, जीरो टू फाइव जीरो फिफ्टी. ओके, आपको काउंटिंग आती है इसलिए मैंने डायरेक्ट फिफ्टी तक लिए, ताकि आपको बहुत अच्छे से नंबर्स आप आइडेंटिफाई कर सके, बहुत अच्छे से इसको लिख भी सके. ओके, वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. आई विल फर्स्ट ड्रॉ द बॉक्स. आई नो यू हैव स्क्वायर नोटबुक कॉपी, आपके पास तो स्क्वायर नोटबुक कॉपी है ऑलरेडी, बट आई हैव इट, मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे बॉक्स आपको ड्रॉ कर रही हूँ. देन वी विल राइट. हाउ टू राइट? फर्स्ट आई विल राइट विच नंबर बेटा, वन और जीरो. डेफिनेटली आई विल राइट जीरो, क्योंकि हम लोग जीरो में पढ़ स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग बैकवर्ड और हम लोग जीरो पे ही इसको क्लोज करते हैं. ओके, देन जीरो, जीरो के बाद वन, जीरो वन टू, देन थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन जीरो टेन. ओके, आपको अच्छे से बता रहे, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन वन जीरो टेन. देन वी विल स्टार्ट अगेन, वन वन इलेवन. ओके, वन वन इलेवन, वन टू ट्वेल्व. इफ यू डोंट राइट हियर देन वी विल गेट वन मोर लाइन. अगर हमें ऐसा लगता है कि हमें बहुत कंजेस्टेड नंबर हो रहे हैं, तो आप यहाँ पे रफ कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास तो बहुत बड़े बॉक्स हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट आपकी जो नोटबुक है उसमें स्क्वायर नोटबुक बहुत फास्ट फास्ट होते हैं. ओके, देन वी विल लीव वन लाइन, वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस लाइन. वन वन इलेवन, वन टू ट्वेल्व, वन थ्री थर्टीन, वन फोर फोर्टीन, वन फाइव फिफ्टीन, वन सिक्स सिक्सटीन, वन सेवन सेवनटीन, वन एट एटीन, वन नाइन नाइनटीन एंड टू जीरो ट्वेंटी. Then again we will one line starting from next time. 2 1 20 1 2 2 20 2 2 3 23. Which number next one? 24. Okay. 2 4 24. 2 5 25. 2 6 26. 2 7 27. 2 8 28. 2 9 29 and 3 0 30. आपको काउंटिंग याद है ना कि भूल गए? याद है, वेरी गुड. अगेन वी विल लीव वन लाइन, वी विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट लाइन. आफ्टर 3 0 30, 3 1. 3 1 31, 3 2 32, 3 3 33, 3 4 34, 3 5 35, 3 6 36, 3 7 37, 3 8 38. The next number 3 8 38 के बाद क्या आएगा? 39. ओके, 3 9 39 एंड 4 0 40. देन अगेन वी विल लीव वन लाइन. नेक्स्ट लाइन आई विल ड्रॉ वन मोर लाइन हियर. ओके, देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट लाइन, नो प्रॉब्लम. ओके, 4 1 41, 4 1
41, 4, 2, 42, 4, 3, 43, 4, 44, 4, 5, 45, 4, 6, 46, 4, 7, 47, 4, 8, 48, 4, 9, 49, and last number 50, 50. Okay? Again, we will revise one more time. 0. Always be remembered, जहां 0 आता है उसके बाद 1 आता है. जैसे यहां 0 आ गया, 1, 0, 10. तो 10 के बाद 0 के बाद फिर से क्या आ गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Again, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Okay? 0 के बाद में फिर से हमारी counting कहां से start होगी? From 1. Always be remembered. Okay? Now, here is 0, 1. मेरे साथ साथ बोलना है आपको, ऐसे नहीं कि बस मुंह बंद करके बैठ जाए. ओके, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 0, 10, 1, 1, 11, 1, 2, 12, 1, 3, 13, 1, 4, 14, 1, 5, 15, 1, 6, 16, 1, 7, 17, 1, 8, 18, 1, 9, 19, 2, 0, 20, 2, 1, 21, 2, 2, 22, 2, 3, 23, 2, 4, 24, 2, 5, 25, 2, 6, 26, 2, 7, 27, 2, 8, 28, 2, 9, 29, and 3, 0, 30. The 3, 0, 30. Next number will 3, 1, 31. 3, 1, 31. 3, 2, 32. 3, 3, 33. 3, 4, 34. 3, 5, 35. 3, 6, 36. 3, 7, 37, 3, 8, 38, 3, 9, 39, and 4, 0, 40, 4, 1, 41, 4, 2, 42, 4, 3, 43, 4, 4, 44, 4, 5, 45, 4, 6, 46, 4, 7, 47, 4, 8, 48, 4, 9, 49, and 5, 0 is 50. Okay. आपको क्या करना है? 5 times इसको read करना है. Read 5 times. याद भी करना है. और लिखना कितने times है? How many times you will write? 3 times. Okay. I will write here. Homework. क्या करना है होमवर्क में? राइट काउंटिंग फ्रॉम 0 टू 50. हियर आई विल राइट. ओके, राइट डब्ल्यू आर आई टी ई, राइट मीन्स लिखना. राइट काउंटिंग फ्रॉम 0 टू 50. हाउ मेनी टाइम्स? यू विल राइट 3 टाइम्स. ओके, इन होमवर्क वी एंड लर्न. क्या करना है? पढ़ना है और याद भी करना है. एंड हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स. राइट इट. ओके, क्या करना है बेटा? रीड एंड लर्न एंड 3 टाइम्स राइट इट. 3 टाइम्स आपको अपने नोटबुक में 3 फुल पेजेस लिखना है, पढ़ना है, याद करना है और मम्मा से उसको चेक भी करवाना है. ओके, हाँ, क्या करना है? घर से बाहर
नहीं निकलना है क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया है। ज्यादा अगर आप बाहर निकले तो क्या हो सकता है, हमें लू लग सकती है, हमें फीवर आ सकता है, और जैसे फीवर आता है हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। यू वॉन्ट टू गो देयर? नो ना, नहीं डॉक्टर के पास नहीं जाना है ना, घर में रहना है, सेफ रहना है, मम्मी पापा का कहना सुनना, अच्छी अच्छी एक्सरसाइज करना, मॉर्निंग वॉक करने जरूर जाना, ठीक है, और एक फुल ग्लास दूध डेली पीना है, और अच्छी अच्छी बातें सीखना है, मम्मी पापा को और अपने बड़ों को सबको रेस्पेक्ट देना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।